गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. एज यू पीपल नो कि आपको सारे सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ मिल रही हैं वाइल आपके ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो बंद हैं. एंड नाउ लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू टू द एक्टिविटी जो आपने इंग्लिश सब्जेक्ट में करना है. वन मोर थिंग, द एक्टिविटी विच वी आर गोइंग टू परफॉर्म इज रिलेटेड टू द टॉपिक दैट वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड. नाउ स्टूडेंट्स, एक्टिविटी जो है दैट इज़ टू बी डन ऑन अ शीट. ये मैंने आपके लिए एक शीट में बनाया है. इफ़ यू हैव शीट एट योर होम यू कैन मेक द एक्टिविटी द वे आई हैव डन इट. मैंने एक कलर्ड शीट लिया है, हेडिंग है नाउन, रूल्ड शीट्स ली हैं और रूल्ड शीट को कट करके सेंटर में चिपका रखा है. एंड हमारा एक्टिविटी में बेसिकली आपको करना क्या है, अंडरलाइन द नाउन वर्ड्स इन द पैराग्राफ. अब पैराग्राफ नहीं है, एज यू कैन सी पैराग्राफ आप सेलेक्ट करेंगे. एज यू पीपल कैन सी देर इज़ नो पैराग्राफ रिटन, पैराग्राफ आप लोग लिखेंगे. एंड फॉर द पैराग्राफ व्हाट यू पीपल हैव टू डू इज़ आप सिंपली किसी भी बुक में से एक पैराग्राफ लेंगे. सी ये एक फिफ्थ क्लास की बुक है. अब दिस इज़ यूनिट नंबर टू. आप इसमें से कोई भी पैराग्राफ ले सकते हैं, नॉट शॉर्ट, इतने छोटे छोटे नहीं, आप बड़े बड़े पैराग्राफ लेंगे. बेटर है कि आप अपनी बुक के चैप्टर का कोई भी एक पैराग्राफ लेंगे. यू हैव टू राइट द पैराग्राफ. ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर वन है. आपको करना क्या है, बेसिकली यू हैव टू टेक एनी पैराग्राफ. आप कोई भी एक पैराग्राफ लेंगे. सपोज़ अगर आपने यूनिट नंबर वन का ये पैराग्राफ लिया है, सो आप ये पैराग्राफ, एक सिंगल पैराग्राफ आप उठाएंगे यहाँ से यहाँ तक, या इसका आधा लें. एटलीस्ट 5 to 6 या 7 to 8 लाइन्स का एक पैराग्राफ आप पिक करेंगे. एंड आपने मान लीजिए ये पैराग्राफ लिया है अगर, सो आप इस पैराग्राफ को इस शीट पे लिखेंगे. यू विल बी राइटिंग द पैराग्राफ. जो भी पैराग्राफ आप लेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे. एंड देन यू हैव टू अंडरलाइन द नाउन वर्ड्स इन द पैराग्राफ. जो भी पैराग्राफ आप लिखेंगे उसमें नाउन को अंडरलाइन करेंगे. अंडरलाइन करके उनको अलग अलग कॉलम्स में पुट करेंगे. जो कॉमन नाउन है वो कॉमन नाउन के नीचे, जो प्रॉपर होगा उस पैराग्राफ में वो प्रॉपर नाउन के नीचे, जो कलेक्टिव नाउन वर्ड्स होंगे वो कलेक्टिव नाउन के नीचे, एंड जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड्स होंगे वो यहाँ पे आएंगे. आई होप ये आपको समझ में आ गया. पैराग्राफ आप अपनी बुक के किसी भी चैप्टर का कोई भी एक पैराग्राफ उठाएंगे. यू विल राइट द पैराग्राफ हेयर इन द गिवन स्पेस. ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही बनाएं, सिमिलर बना सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी न्यू आइडिया यू कैन फॉर्म दैट. एंड नाउन को अंडरलाइन करके आप इन कॉलम्स में सेपरेट करके लिखेंगे.